नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। स्टूडेंट फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट जेआरएफ में कम्युनिकेशन रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण यूनिट मुझे लगती है तो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी पूरा कंप्यूटर पर बेस्ड एक क्वेश्चन की प्रणाली है, क्वेश्चन से रिलेटेड यूनिट है। कंप्यूटर, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, ऐसे जैसे तमाम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रश्न इसमें कंप्यूटर पर पूछा जाता है। इसलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी मैं डिस्कशन करूँगा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत बेसिक बातों के हो सकते हैं। इस बार की परीक्षा में भी बेसिक प्रश्नों पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर के संबंध में अल्पतम रूप से मिल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीस्ट मैचेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो सबसे कम मैच कर रहा है, यानी कि गलत टर्मोलॉजी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 गीगाबाइट 124 बाइट। अब गीगाबाइट क्या है? मेगाबाइट का ही स्वरूप है। और मेगाबाइट क्या है? 1024 into 1024 bytes से मिलता है, यानी 1000 byte, 1024 byte को जब 1024 से मल्टीपल कर दिया जाए तो ये एक MB बनता है, और 1 MB में 1024 को और गुणा कर दिया जाए तो वह 1 GB का निर्माण करता है। तो ऑब्वियसली 1024 × 1024 × 1024 1 GB बनेगा, और इस पॉइंट ऑफ से पहला सही है। दूसरा, LCD का फुल फॉर्म है, और वो भी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले दिया है, जबकि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, इसलिए ये ही गलत है, और इसलिए कंप्यूटर से अल्पतम मेल, अब इसे गलत है, तो यही इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर जो आंसर के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो पहले का आंसर बी होगा, बाकी सब सही है, इसलिए गलत है बी, LCD। बाकी USB में यूनिवर्सल सीरीज बस भी ठीक है, और GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में कंप्यूटर नेटवर्क्स के विभिन्न प्रकारों को दर्शाया गया है, इन्हें अंतर्निहित जियोग्राफिकल स्पेस के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए, व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े के क्रम में, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा और फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा नेटवर्क के क्रम में इन्हें सजाना है। तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहां पर ऑब्वियसली सबसे पहले LAN आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN के बाद हम किसी एक शहर के नेटवर्क की बात कर सकते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जा सकता है, और इसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, जो कई एक शहरों में फैला हुआ विद्यमान हो सकता है। तो LAN, मैन और वैन सही आंसर इसका डी की ओर निरूपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल से जुड़ी बाह्य उपकरण होते हैं कि सूची में केवल इनपुट पेरिफेरल्स दिए गए होते हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर व्हिच लिस्ट कंटेन्स इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस ओनली, यानी किसमें इनपुट डिवाइसेस है। नेट की परीक्षा में इस बार इनपुट डिवाइस पे क्वेश्चन आया, ये इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस देखने तो बहुत सरल है, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पे एक लिस्ट जिसमें आपको इनपुट डिवाइस बताना है। इनपुट डिवाइस का मतलब होगा जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में सूचनाएं भेजते हैं, और आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जिनसे हम निर्गत यानी कि सूचना प्रसंस्कृत होकर हमें जो दिखाई देती है या प्रिंट के रूप में मिलती है। तो इनपुट डिवाइस जिनसे हम सूचना अंदर भेजेंगे, तो यहाँ ऑप्शन है ए स्पीकर्स स्कैनर्स माउस मॉडेम, बी कीबोर्ड प्रोजेक्टर माउस फ्लैश ड्राइव,
सी माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, और सी सी क्या डी हो गई, लेजर प्रिंटर, ग्राफिकल टैबलेट्स, बारकोड रीडर, हार्ड डिस्क। अब यहां पर देखें तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, इससे पहले ऑप्शन में ये गलत हो जाता है, और प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे कुछ निकल के आएगा, इससे ये भी गलत हो जाएगा। माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, माउस, स्कैनर, टच, ये पांचों इनपुट डिवाइस होंगे। लेजर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर जो सही आंसर सेट बनता है वो सी का बनता है, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, माउस, स्कैनर और टच स्क्रीन। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, नीचे दो समूह दिए गए हैं, समूह एक समूह दो को मतदान करना है, आपको बताना है कि इनका सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पहला पॉइंट कह रहा है डीपीआई एक लेजर प्रिंटर की रेजोल्यूशन की माप है, तो ऑब्वियसली ये डिप्रेशन पिक्सल इंप्रेशन डीपीआई को लेजर प्रिंटर रेजोल्यूशन कहा जाएगा, ये सही बात है। यहां पर पहले का हम ए को मैच खाते हुए देख रहे हैं। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एक मॉनिटर होता है, उसकी बात होती है, तो सीआरटी यहां पर एक रीड ओनली स्टोरेज का उदाहरण, एक प्रकार कंप्यूटर मॉनिटर, ऑब्वियस ये मॉनिटर का एक प्रकार है। तीसरा होगा एनआईसी और सीडी रोम, तो सीडी रोम है रीड ओनली मेमोरी को है, इसका फुल फॉर्म ही रीड ओनली मेमोरी होता है, मेमोरी में जो सूचना निर्गत होती है फिक्स होती है, उसे बदला नहीं जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर को रीड कराने के लिए होगा, और एनआईसी फिर चौथे की ओर इंडिकेट करता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो सी वाला बन रहा है, 1, 3, 4 और 2। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। कंप्यूटर की शब्दावली में निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ड्राइवर की उत्तम परिभाषा है? डिवाइस ड्राइवर, जैसे ही कोई हम डिवाइस कंप्यूटर से जोड़ते हैं, सपोज करिए हमने एक प्रिंटर ऐड किया कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर प्रिंटर की वह सूचना जिससे कि प्रिंटर वर्क करेगा उसके सारी चीजों को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करें, इसके लिए एक डिवाइस यानी सीडी ड्राइव होगा जो कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन प्रिंटर के इंस्टॉलेशन को बताएगा। आजकल वैसे मॉडर्न सिस्टम या नए तकनीक के रूप में ऑटोमेटिकली डिवाइस को रीड कर लिया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से हो जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें, लेकिन डिवाइस ड्राइवर का तात्पर्य है कि एक कंप्यूटर को किसी भी नए उपक्रम से जोड़ा जाए तो उसकी रन करने की या प्रोसेस करने की जो प्रोसीजर्स हैं, इंस्टॉलेशन प्रक्रिया है, वो कंप्यूटर को बताई जाए। तो यहाँ पर सही विकल्प देखिए वह सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है जो प्रयोक्ता के ऑपरेटिंग सिस्टम का नियंत्रण करने की आज़ादी देता है। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंट्रोल करने से कोई मतलब नहीं है, ये बात गलत है। वह हार्डवेयर, ऑब्वियसली हार्डवेयर है ही नहीं क्योंकि ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। वह सॉफ्टवेयर जिसके कारण अवधारक उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अंतर क्रिया होता है, बिल्कुल सही बात है, यही इसका सही आंसर है। हार्डवेयर वाला आंसर गलत हो जाएगा, सही आंसर सी है, सॉफ्टवेयर है जो कि कोई उपकरण या कोई बाहरी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस लगाया गया उसे ऑपरेटिंग डिवाइस को वो कनेक्ट करता है, उसकी सूचना देता है कि कैसे वो वर्किंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी प्रलेख के पृष्ठ को पृष्ठ 2 के किसी उसी प्रलेख के पृष्ठ 4 पर दोहराना होता है, इसे निम्नांकित में से किस माध्यम से कहेंगे? यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एन इमेज ऑन पेज नंबर 2 ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज टू रिपीटेड ऑन पेज 4 ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनेबल दिस टू हैपन। साधारण सी प्रक्रिया है जो कि वर्ड फाइल में हम लोग करते हैं,
जिसमें कहा जा रहा है कि अगर एक वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत एक पेज नंबर 2 में कोई फाइल है, कोई पेज खुला है और उसे हम पेज नंबर 4 में खोलना चाहते हैं या लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा। बहुत सिंपल सा है, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाए, आंसर एकदम परफेक्ट है। भाई काटना और साटना नहीं होगा, कट एंड पेस्ट नहीं होगा, कट करने के बाद जहां पर है वहां तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि पहले जगह पे वो हट जाए, बल्कि पहली जगह पे है और दूसरी जगह पे लाना है, तो कॉपी एंड पेस्ट इसका आंसर सही होगा, बाकी और कोई विकल्प की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, क्वेश्चन नंबर 7 एक मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जामिनेशन के पॉइंट से ये देखिए तो ये एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है। स्वयं, स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर, नैड, अब आपको यहाँ से मैच द फॉलोइंग करना है, तो इनका मैचेस करना है, तो सबसे पहले स्वयं, स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर, इनको रिलेटेड करना होगा। तो स्वयं ऑनलाइन स्टोर एंड एक्सेस द एकेडमिक अवार्ड्स नेमली डिग्रीज NEA, तो ये ऑनलाइन स्टोरेज होगा, इसका स्टोर एंड एक्सेस पर्सनल ई डॉक्यूमेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन एनीवेयर, और फ्री डिटेल सेवा, हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो स्वयं से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस और इसके बाद फ्री डिजिटल सेवा, थोड़ा सा ये छोटा कर दिया जाए, लिख लो डिजी लॉकर ऑनलाइन स्टोरेज एक्सेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स। इसमें नेट क्या है, ये नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है। अब नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का जो तात्पर्य होता है, उसका तात्पर्य होता है कि हम अपने जितनी भी हमारी डिग्रीज हैं, अवार्ड्स हैं, उसे ऑनलाइन पे स्टोर कर दिया जाए, जिससे उसे आसानी से उपयोग किया जा सके। तो जैसा हम चाहें, हम कहीं भी उसे जाने की जरूरत ना पड़े, प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है, एक नेट सिस्टम बना दिया जा रहा है जिससे हमारी जितने भी एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स हैं वो ऑनलाइन स्टेप हो जाएगी, और जहाँ कहीं भी हम जाएंगे तो हमें अपने डाटास, अपने सर्टिफिकेट, मार्कशीट को लेकर जाने की जरूरत नहीं है, हम एक नेट नंबर बताएंगे और ऑटोमेटिकली ऑनलाइन से वो सर्टिफाइड कॉपीज निकल जाएंगी। अब ऑनलाइन कैसे सर्टिफाइड करेगा, जनरली होता ही है कि हमें कहीं किसी इंटरव्यू में जाना है तो हम अपने पूरे मार्कशीट को ले जा रहे हैं, फाइल को ले जा रहे हैं, अब ये फाइल ओरिजिनल है, इसको वेरीफाइड करने के लिए एक क्लर्क वहां बैठे बैठे हो इसको वेरीफाइड कर रहा है ओरिजिनल देखकर। हो सकता है हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट बना दिया, अब इसे क्लर्क कैसे वेरीफाइड करेगा, कागज से तो वेरीफाइड हो नहीं सकता, कागज की क्वालिटी सेम हो जाए, हूबहू एक जैसी चीजें बन जाती हैं, यहाँ तक कि जब नोट की एक जैसी कॉपी बन जाती है, नोट्स जो हम रुपए का प्रयोग करते हैं, तो किसी सर्टिफिकेट का तो बहुत आसानी से कॉपी बनाया जा सकता है। तो एक स्कीम लाई जा रही है नेशनल डिजिटल एकेडमिक, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, इसमें हम अपनी तमाम जितनी हमारी योग्यताएं हैं उसको ऑनलाइन पर अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लोड कर देते हैं। अब ऑनलाइन उसको वेरीफाइड कैसे करेगा, वो डिजी लॉकर के माध्यम से वेरीफाइड करेगा, जिसमें वो ये देखेगा कि यह एनरोलमेंट, आपने जो नंबर बताया ये नंबर उस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो उसको एनरोलमेंट चेक कर लेगा उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, तो वो ज़्यादा परफेक्ट वेरीफाइड हो जाएगा। तो क्लर्क तो नहीं उस वक्त कर सकता, लेकिन ऑनलाइन इसको कर सकता, तो इस पॉइंट से देखा जाए तो ये ज़्यादा प्रभावी होगा। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि आपको कॉपीज आंसर्स की शीट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप मैच द फॉलोइंग तो आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे होंगे, तो प्रभावी है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैंने भी चेक किया, तो स्वयं प्रभा जो वास्तव में डिजिटल चैनल्स को कहेंगे, ये फ्री डिजिटल चैनल है जो हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए बनाया गया। एक्चुअली क्या है कि अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से स्टडी कर रहे हैं, जैसे इग्नू वगैरह के कोर्सेज कोई लेता है, तो घर बैठे और इंटरनेट की सुविधा उतनी मजबूत नहीं है, तो टीवी के माध्यम से आपको फ्री चैनल के प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अपने घर पे बैठे बैठे एजुकेशन ले सकते हैं। तो गांव में या महिलाएं या हैंडीकैप पीपल्स जो कि आसानी से शहर में या सुविधायुक्त स्थानों पे नहीं आ सकते, हर जगह नेटवर्क भी स्ट्रांग नहीं है, तो
तो टेलीविजन के माध्यम से कुछ चैनल चलाए जाएंगे जो आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट के कोर्सेज को कराएंगे, और इस पॉइंट ऑफ से यहाँ पर स्वयं प्रभा आपको एजुकेशन का चैनल प्रोवाइड करेगा जिस कोर्स को आप कर रहे हैं, ये इग्नू इत्यादि के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो फैक्ट है तो बी का ये 4 होगा, इसके बाद ए का फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये एक्चुअली मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बड़े पैमाने पे ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें आप स्वतः ही विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और उन कोर्सेज को बकायदे स्टडी कर सकते हैं, उसकी परीक्षा कर सकते हैं और परीक्षा के माध्यम से आप उससे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो सरकार के द्वारा ये सब संचालित हो रही है जिसमें ये सभी के लिए ओपन है, बड़े स्तर पर कोर्सेज को ज्वाइन करना, उसके रिलेटेड वीडियोस देना, उसके रिलेटेड स्टडीज करना, ऑनलाइन माध्यम से प्रयोग करना। तो आजकल चूंकि यूट्यूब इत्यादि पे हम बहुत कॉमन हो चुके हैं इससे इसका बहुत प्रचलन नहीं है, लेकिन इस पर सर्टिफिकेट कोर्स आपको मिल सकता है, इसलिए इसके माध्यम से ये ज़्यादा प्रभावी है और काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, देन आफ्टर सी का 2 होगा, जैसा मैंने भी आपको बताया स्टोर पर्सनल ई डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, और ऑनलाइन स्टोर के लिए नेट होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया ना कि नेट क्या करता है, ऑनलाइन स्टोर हाउस बना देता है, ऑनलाइन पे सेव हो गया है, और ऑनलाइन पे जब भी कभी आप कहीं आवेदन करेंगे तो आपको सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए और केवल एक नेट नंबर बताइए, आप वहां पहुंच कर क्लर्क को एक नेट नंबर बताएंगे, क्लर्क उस नेट नंबर से आपके सारे ई वेरीफाइड करेगा। ये ई वेरिफिकेशन डिजी लॉकर की प्रणाली के माध्यम से होगा जो कि स्टोर एंड एक्सेस पर्सनल रिस्पेक्ट टू फिजिकली यानी भौतिक उपस्थिति के अनुसार उपयुक्त ई दस्तावेजों को भंडारण उपलब्ध कराता है। डिजी लॉकर के माध्यम से ये सेव हो चुके हैं और नेड में ये दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से नेड के माध्यम से हमें अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को ना ले जाए यानी बिना ले जाए बगैर हम कहीं किसी भी इंटरव्यू में फिजिकली अपने सर्टिफिकेट ना भी ले जाएं तो प्रूव कर देंगे वेरीफाइड है कि नहीं, और देखा जाए तो ज्यादा वेरीफाइड है क्योंकि फिजिकली हम जो सर्टिफिकेट ले जाते हैं वो गलत हो सकते हैं परंतु किसी संस्थान द्वारा इसे प्रूव कर दिया गया, वेरीफाइड कर दिया गया वो गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डिजी लॉकर उसे वेरीफाइड करेगा और नेड इसे सेव करेगा। इस तरीके से जो सही आंसर है वो ये बन रहा है। आइए अगला पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक वायरस हॉक्स वायरस की मिथ्या सूचना प्रदायी सचेतक ईमेल है जो आपको निम्नानुसार एक वायरस हॉक्स प्राप्त होता है तो उचित कार्यवाही क्या होती है। वायरस हॉक्स का तत्व है कि चेतावनी मिलना, तो हॉक्स यानी चेतावनी और वायरस की चेतावनी। तो आप कई बार ऐसा देखोगे कि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, अचानक आपको ऐसी चेतावनी आता है, जैसे कि इसमें दिखाया है, एक बॉक्स खुलेगा और इसमें लिखा होगा कि A new virus has been detected in your computer. Format your hard disk, reinstall and software immediately. तो ऐसे में आपके सामने इस प्रकार से एक चेतावनी आती है, एक बॉक्स खुलता है, तो आपको क्या करना चाहिए इस चेतावनी के पक्ष में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, ईमेल को अनदेखा कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसे ईमेल्स को के ईमेल है। बी है प्रेषक को उत्तर देना चाहिए, इसका जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। सी है अपने मित्रों को यह मेल अग्रेषित करना चाहिए, तो फॉरवर्ड कर देना चाहिए अपने मित्रों को इस मेल को कि भाई देख लीजिए ऐसा मेल आ रहा है। और डी है तत्काल अपना हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना चाहिए और सभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि ये एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कई कारणों से हो सकता है। एक तो कंप्यूटर ऑटो जनरेट कर देता है, कंप्यूटर को ऐसा लगता है कि कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा आपने डाला है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि ऐसा हो नहीं, अचानक ऐसा कंप्यूटर को महसूस हो गया, तो इसलिए ऑटो जनरेशन हो सकता है। प्लस एक स्पैम भी हो सकता है जो कि किसी भी आधार पर भेजा जा रहा है, या कई बार वायरस एंट्री के लिए भी ऐसा किया जा सकता है जबकि आपके सिस्टम में एक होस्ट बन के आ रहा है, वार्निंग का मैसेज बन के आ रहा है और आप उसको ओके कर दो जिससे कि कोई वायरस प्रवेश कर जाए। कई बार इस प्रकार से ये माया भी कोई डिस्प्ले आपके सामने आ जाता है, तो ऐसे चीजों को आपको इग्नोर करना ही ज्यादा बेटर है, ना कि अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने लगे, इंस्टॉल करने लगे, रिइंस्टॉल करने लगे। तो आंसर इसका जो सही होगा वो होगा ईमेल को अनदेखा कर देना, ज्यादा बेटर रहेगा।
तो आज इतने ही क्वेश्चंस को कराएंगे। तो आईसीटी में ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराया, जिनसे एक सामान्य समझ का विकास करा, एक सामान्य समझ का विकास हुआ होगा। मैं आपको यह चीज कहूंगा कि प्रैक्टिस लगातार करिए, थोड़ा कीजिए लेकिन रोज कीजिए। अगर रोज आधा घंटा एक घंटा आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी नेट के एग्जामिनेशन में स्ट्रांग पोजीशन बन जाएगी। हर यूनिट के देखिए, क्योंकि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आना है, किसी भी यूनिट को हल्के मत दीजिए। जैसे बहुत से लोग क्या होता है कि उनका मैथ्स पसंदीदा विषय है, तो मैथ्स को लगातार घंटों लगाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। मैथ्स में भी 5 ही क्वेश्चन आना है, टीचिंग से भी 5 ही क्वेश्चन आना है, रिसर्च से भी 5 क्वेश्चन आना है। ऐसा मैं नहीं, आयोग की वेबसाइट पे मेंशन है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आना है। अब अलग बात है कि स्वाभाविक रूप से, व्यवहारिक रूप से देखा गया कि वो कभी 5 से 6 भी हो जाता है और कभी 3-4 भी हो जाता है, लेकिन सब लगभग प्रॉपर प्रोपोर्शन में एग्जाम में क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। थोड़ा सा प्रोपोर्शन इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि 14-15 दिन पेपर चलना होता है, सुबह शाम 2 पेपर बनना होता है, तो पेपर की क्वालिटी और गेसिंग थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। लेकिन फिर भी जिसने अच्छे से मेहनत किया है, जिसकी अच्छे विषय पे पकड़ है, जो लगातार प्रैक्टिस करता रहा है, उसे इन बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं फिर नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करूँगा, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।